वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे फरवरी महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज के पूरे ट्रिक के साथ एक स्टोरी के माध्यम में हम याद कर लेंगे जो आने वाला सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फरवरी एक को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे के स्थापना दिवस रूप में हम मनाते हैं। इस साल 2021 को हम इंडियन कोस्ट गार्ड का 45वां स्थापना दिवस पालन कर चुका है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिए फरवरी एक को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड मीन्स आप समझ सकते हैं जो भारत का कोस्टल एरिया है, मीन्स समुद्र का एरिया इस अंचल को समझाता है। नेक्स्ट फरवरी टू को वर्ल्ड वेटलैंड डे रूप में हम मनाते हैं। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो ज्वाइन करेगा आदमी, इसको ड्यूटी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ना कोस्टल एरिया को जाना पड़ेगा। जो कोस्टल एरिया का तो पानी में भरा है, इसलिए ये वेट बा ओदा ही जाना होगा, इसलिए फरवरी 2 को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। फरवरी 1 को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, नेक्स्ट फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे, नेक्स्ट फरवरी 4 को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका के रूप में हम मनाते हैं और वर्ल्ड कैंसर डे भी हम मनाते हैं। इसलिए जो भारत का कोस्टल एरिया मुख्यतः तो श्रीलंका के आसपास से है, साउथ के अंचल में ज़्यादा से एरिया आते हैं, इसलिए श्रीलंका भी भारत के साउथ में है, इसलिए इंडिया इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं जो इंडियन कोस्टल गार्ड का है ना, ये श्रीलंका को फरवरी 4 में स्वाधीनता दिला दी, इसलिए फरवरी 4 को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाते हैं श्रीलंका में और वर्ल्ड कैंसर डे भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट फरवरी 6 को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन डे रूप में हम मनाते हैं। इसको आप कैसे याद करें ना, तो फरवरी 4 को भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका को स्वाधीनता दिला दी, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रशंसा होने लगा, इसलिए फरवरी 6 में इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को भी शामिल करना शुरू हो गया। इसलिए फरवरी 6 में जब महिलाओं को भी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है, इसलिए इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन डे भी हम फरवरी 6 को हम पालन करते हैं जो फीमेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट फरवरी 10 को वर्ल्ड पल्सेस डे है, इसे किसे याद कर सकते हैं ना, पल्सेस को मीन्स एक अपने रक्त का प्रवाह का तीव्रता को हम बोलते हैं, इसलिए फरवरी 6 को जब महिलाओं को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, इसलिए महिला तो डर गए फरवरी 10 को, कैसे हमको ड्यूटी करना है, कैसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड में कैसे हम चल पाएंगे, इसलिए इसको इसके जो रक्त है ना धक धक करने लगा है महिलाओं का, इसलिए फरवरी 10 को हम वर्ल्ड पल्सेस डे रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट फरवरी 11 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो महिला ने स्पंदन धक धक करने लगा है फरवरी 10 को वर्ल्ड पल्सेस डे, इस फरवरी 11 को इसको समझा साइंस वुमेन एंड गर्ल्स को साइंस में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे डर से दूर हो जाता है। डर को दूर करने के लिए फरवरी 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस साइंस में भी इसको प्रैक्टिस किया गया है और इसको अंदर में एक जोश भर गया है, इसलिए फरवरी 12 को हम नेशनल प्रोडक्टिव डे मनाते हैं, क्योंकि जब महिला को देह में डर निकल गए ना फरवरी 12 को वो अपने ड्यूटी में जोग देने गए कौन ना महिलाओं, इंडियन कोस्ट गार्ड के महिलाओं, इसलिए फरवरी 12 को नेशनल प्रोडक्टिव डे। प्रोडक्टिव मीन्स जो इंडियन महिला और कोस्ट गार्ड अपना ड्यूटी स्टार्ट किया है प्रैक्टिकली, इसलिए नेशनल प्रोडक्टिव डे फरवरी 12 को हम मनाते हैं। नेक्स्ट जब महिलाओं ने ड्यूटी में जोग दिया है तो सभी देश में खुशी का लहर बन गया है, इसलिए नेशनल वुमेन डे को हम फरवरी 13 को मनाने लगे हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं जब इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो गया है तो खुशी का बात है ना, इसलिए नेशनल वुमेन डे हम मनाते हैं इसके सम्मान के लिए फरवरी 13 को। इसलिए जब ये न्यूज़ में बन गया नेशनल वुमेन डे, इसलिए न्यूज़ में जब बन गया वर्ल्ड रेडियो डे भी हम इसी दिन फरवरी 13 को भी मनाने लगते हैं। फरवरी 13 को ये भी याद रखिए वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेन्स डे। नेक्स्ट फरवरी 20 को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में हम भी फरवरी 20 को मनाते हैं, क्योंकि जब रेडियो में प्रचार हो गया महिलाओं के बारे में, इसलिए महिलाएं तो न्याय पाए गए, क्योंकि इसके पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में केवल मेन ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब वुमेन
ज्वाइन करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड में ना, महिला को तो समान अधिकार मिल गया पुरुषों की तरह, इसलिए फेब्रुअरी 20 को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में भी मनाने लगते हैं, और इसको वर्ल्ड पेंगुइन डे भी हम मनाते हैं। ये भी याद हो कि वर्ल्ड पेंगुइन डे को हम थर्ड सैटरडे एवरी फेब्रुअरी मंथ के तृतीय सैटरडे को हम वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाते हैं। नेक्स्ट फेब्रुअरी 21 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जब महिलाओं ने सोशल जस्टिस पा गया तो उन्हें कॉन्फिडेंस से भाषण देने लगे, कहाँ पर दे ना अपनी मातृभाषा में भाषण देने लगे, इसलिए फेब्रुअरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रूप में हम मनाते हैं। इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब महिलाओं को इंडियन कोस्ट गार्ड में नियुक्ति दिया गया, इसको सैलरी देने के लिए तो सरकार को तो पैसा जरूरत होगा, इसलिए सरकार पैसा कहाँ लाएगा ना, फेब्रुअरी 24 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे, सेंट्रल एक्साइज डे रूप में मनाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज मीन्स आप समझ सकते हैं जो कर देते हैं या टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए फेब्रुअरी 24 को सेंट्रल एक्साइज डे रूप में भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट फेब्रुअरी 27 को वर्ल्ड एनजीओ डे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है ना, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के दायित्व एनजीओ संस्था को प्रदान कर दिया, इसलिए फेब्रुअरी 27 को वर्ल्ड एनजीओ के साथ वर्ल्ड एनजीओ डे हम मनाने लगे। इसके बाद और एक डे फेब्रुअरी 28 को हम नेशनल साइंस डे रूप में भी मनाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेब्रुअरी 28 को नेशनल साइंस डे रूप में मनाते हैं, क्योंकि ना साइंस के मदद से ही तो महिलाओं को अंदर डर निकल गई और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा, इसलिए नेशनल फेब्रुअरी 28 को हम नेशनल साइंस डे रूप में भी मनाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक के माध्यम से इस स्टोरी को एक बार माइंड में बैठा लेंगे तो आप कभी भी दिक्कत नहीं आने दिक्कत नहीं आते इसको याद करने के लिए, इसलिए आप इसको अपने माइंड में सेटिंग करके याद कर लेंगे तो ये सारे जीवन तक फेब्रुअरी महीने के सभी डे को आप याद हो जाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।